Hello children, how are you? I hope you are fine at your place. So now I am going to teach you the last chapter of our book. The book that we can say the book. Its name is Footprint Without Feet. Is it clear? And this is the last chapter of the book. And it is a drama. ये drama है वैसे तो. Okay. That is known as a drama, and that can be explained by me. Understand? So the book that saved the earth, written by Claire Boyko. In this chapter, that is our most interesting chapter, and so also very funny. We can say it is also a very funny chapter, and that is also entertain us. We will also laugh to read that. Is it clear? So in this chapter there are characters also. The main characters, think tank. He is a powerful person. Okay. He is in space. दूसरे ग्रह से बिलोंग करता है द मैन. अप्रेंटी नूडल, ये उसका शिष्य थिंक टैंक का, अप्रेंटी नूडल. एंड दैट इज कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ओ. दीज आर द मैन फोर करेक्टर्स. बट इन दीज फोर करेक्टर्स ओनली टू करेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. वन इज थिंक टैंक एंड सेकेंड इज वट सार्जेंट अप्रेंटी नूडल. Noodle and Think Tank, both are, we can say, main characters of this chapter. So we will discuss about these, and these are the points which we will discuss in this chapter. Introduction by historian. एक historian जो chapter को बता रहा है, ये एक drama है, okay ना? इसमें पर्दा उठेगा, पर्दा गिरेगा, ये सब कुछ होगा. Is that clear? Introduction by historian. Salvation by Noodle. Order of Think Tank. अभी अपन को कड़ी से कड़ी जोड़ के चलना है. Is that clear? Order of Think Tank, contact to space probe, enter in public library, find a book, different views about book, and sandwich also. These are the main points of this chapter. Now I am going to explain one by one. Is that clear, student? Now, first of all, Think Tank is the mighty and powerful person who belong to space. Is that clear? And Noodle, his apprentice, उसका जो डिस्पिल है वो नूडल है. एंड दीज टू पर्सन, कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ओ, दे आर ऑन द अर्थ. दे आर कमिंग ऑन द अर्थ बाय देयर स्पेस प्रोब. वी कैन से एक जो होता है ना स्पेस, उसमें व्हीकल्स जो बोलते हैं उसको स्पेस प्रोब. दे आर कमिंग देयर ऑन द अर्थ. एंड वट इज द प्लान ऑफ थिंक टैंक? दैट प्लान इज थिंक टैंक टू इन्वेड द अर्थ, टू इन्वेजन ऑन द अर्थ, टू अटैक ऑन द अर्थ. अर्थ को कब्जे में लेना चाहते हैं वो. And this story, you know, is that can be 2050. उस चीज को remind करती है अपन को बहुत आगे future में, ठीक है? So on these days, in those days क्या होता है? Now we are studying with the books. हम books से पढ़ते हैं, okay? We are studying with the books. And आप लोगों को मैंने बताया था, when you were ninth class, Margie और Tommy जो थे, brother and sister, they also found a book. और वो कितने surprise हुए थे. इन दैट सेम वे यदि हम आज बुक से पढ़ रहे हैं, मान लो सपोज करो, है ना, तो अभी जो ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारी कंडीशन है, नाउ वी आर फेसिंग अ डेडली डिजीज, कोरोना वायरस जो है ये फैल चुका है, तो वी आर गिविंग यू द लेक्चर ऑनलाइन और अदरवाइज वी आर मेकिंग द वीडियोज. तो ये उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है, देख लेना तुम लोग. अभी तुम लोग कहीं से भी कोई भी लेक्चर ले सकते हो अपने टीचर्स के द्वारा. और एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो रहा है. पहले क्या था, आश्रम में एजुकेशन मिलती थी, गुरु के पास बैठते थे बच्चे और पेड़ों की छाया के नीचे बैठते थे, दे वर गेटिंग एजुकेशन देयर. और उसके बाद में थोड़ा चेंज हुआ, वी आर हैविंग क्लासरूम. क्लासरूम में पहले हम जब स्टडी करते थे तो वी आर नॉट हैविंग चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह नहीं थी. वी व्हेन वी केम इन 11th क्लास तब हमें मिली. और उसके बाद में धीरे 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 सब कुछ चेंज होता जा रहा. अभी क्या हो गया, कंप्यूटर क्लास हो गई और प्रोजेक्टर वगैरह लगने लग गया. यू आर ऑल्सो हैविंग योर क्लास इन दैट सेम वे. तो आज से 50 वर्ष के बाद में तुम जो सोचोगे ना, 50 वर्ष, 50 साल बाद में, या 100 ईयर्स बाद में, या 150 ईयर्स बाद में, जब आई थिंक मेरा मानना है कि ये बुक्स जो है ना ये लुप्त हो जाएंगी वहाँ पे. ये सब कुछ ऑनलाइन से चलेगा, यानी सब कुछ ऐसे ही पढ़ाई होगी. और तुम्हारे मोबाइल में जो तुम्हारे पास जो ये है ना, जो आजकल के जो गैजेट्स हैं, इनमें सब कुछ मिलेगा. तो ये है इन्वेजन जो है, दैट इज़ ए इन्वेजन बाय थिंक टैंक, जो हजारों साल, मतलब 50 ईयर 2040 समथिंग के बाद आसपास हुआ है.
तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर द बुक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट द बुक दैट सेव द अर्थ वह बुक जिसने अर्थ को क्या किया बसाया। अब बुक कैसे अर्थ को बचा सकती है ये सब हम इसके में डिस्कस करेंगे। सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी द पर्सन हु इज एक्सप्लेनिंग द स्टोरी इज हिस्टोरियन इज द क्लियर दिस पर्सन इज एक्सप्लेनिंग द स्टोरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन बाय हिस्टोरियन सबसे पहले पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट ये मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया मोस्ट पावरफुल पर्सन इनके सब सार्जेंट ऑफ कैप्टन ओमेगा अप्रेंटी नूडल ये सब इसके बंदे हैं। तो हिस्टोरियन इज टेलिंग अस को क्या कहता है प्रोजेक्टर लगाता है और कुछ ऐसे फ्लश करता है उस पर लाइट वगैरह और वो चैप्टर स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले व्हाट ही वाज टेलिंग अस दैट एरा ऑफ 21st century उसके बारे में बता रहा है वो युग है ना दैट इज एरा ऑफ 21st century एंड इन दिस एरा व्हाट ही इज टेलिंग अस दैट थिंक टैंक हैड मेड अ प्लान टू इन्वेड द अर्थ अर्थ को इन्वेड करने का प्लान किया थिंक टैंक ने इज दैट क्लियर। और पर्दा गिरता है पर्दा उठता है ये सब चलता रहता है क्योंकि ये नाटक है दिस इज अ ड्रामा बुक के अंदर भी है अपने है ना यू आर ऑल्सो हैविंग बुक इसमें क्या होगा हिस्टोरियन इज एक्सप्लेनिंग द स्टोरी इज दैट क्लियर एवरीबडी। फर्स्ट सॉल्यूशन बाय नूडल व्हेन थिंक टैंक इज सिटिंग ऑन ए चेयर बहुत बड़ा थ्रोन बोल सकते हैं अपन सिंहासन अपना ही इज सिटिंग देयर एंड ही इज मेकिंग कॉन्टेक्ट विद नूडल नूडल इज ऑल्सो नियर हिम एंड ही ऑर्डर नूडल कि जो प्रोब जो है स्पेस प्रोब जो है उससे कम्युनिकेशन करो क्योंकि हु इज ऑन द अर्थ अर्थ पे क्या है सार्जेंट ओक और कैप्टन ओमेगा पहले ही भेजे हुए हैं इज इट क्लियर। तो ही सेड टू नूडल कि कुछ करो उससे कम्युनिकेशन करो। तो नूडल क्या कहता है सॉल्यूशन देता है यानी उसको रेस्पेक्ट का वे होता है जैसे कि बोइंग एंड सेइंग समथिंग देन थिंक टैंक गोट एंग्री by the way of salvation by noodle and he rebuked him usne usko dhamka diya this is not the way to we can say give me greeting mujhe aise greeting oh mighty think tank oh mighty and mighty means is prakar se bolo ki main bada khush ho jaunga wo bada proud hai gaman ka usko he was we can say this type of a man wo gaman karta tha apne aap pe to noodles ne apne kya ki galti we can say he corrected his mistake and he again bowed in front of him then he said think tank said make a contact with space probe then noodle kya kehta hai noodle is also saying to him yes I will make a contact with space probe is that clear so communication the think tank said I want to make a communication with space probe and who was on the earth captain omega and sergeant oak aur aapko pata hai aap logo ne movie dekhi hogi pk आप लोगों ने कोई मिल गया होगा कोई मिल गया मूवी देखी होगी उसमें भी ऐसा ही कुछ एलियंस वगैरह आते हैं ना पीके में वो आमिर खान आता है तो वो हमसे उसके जो वार्तालाप है उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है ये सब कुछ वो एक उससे मतलब अपने लोगों से डिफरेंट लग रहा है वो क्योंकि उनका कल्चर अलग होता है हमारा कल्चर अलग होता है इसी तरीके से। और वो कोई मिल गया में वो जो जादू है वो धूप खाता है इस तरीके से तो दे हैड एंटर्ड तो नूडल उसे क्या करता है एंटर करता है उसे कांटेक्ट करता है तो थिंक टैंक कहता है कि अर्थ जो है दिस इज इनसिग्निफिकेंट यानी एक बकवास चीज है अपनी अर्थ के बारे में बोलता है पृथ्वी के बारे में दिस इज नॉट गुड प्लेस वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता अंडरस्टैंड। एंड थिंक टैंक की एक और हैबिट थी कि वो जो काम करता था उससे पहले ही यूज टू सी हिज मिरर अपने मिरर में देखता था वो बड़ा अजीब करेक्टर है अपने मिरर में देखता था और उससे पूछता था हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ ऑन द स्पेस और ये सब कुछ बातें करता था एंड मिरर गिविंग द आंसर्स ओके। सो इन दैट सेम वे दैट स्टोरी इज गोइंग लाइक दैट अगेन दे हैड मेड अ कॉन्टेक्ट विद वी कैन से स्पेस प्रोब एंड दैट इज द प्लेस इन कॉन्टेक्ट टू स्पेस प्रोब एंटर्ड इन पब्लिक लाइब्रेरी अनफॉर्चुनेटली fortunately for earth and unfortunately for them they had entered in the public library space jo hai jo bande hain do captain omega and sergeant who yahan pe unko c bola gaya hai they had entered in the controversial public library ke andar wo enter ho gaye ab dono khade hain captain omega stands in center beech mein omega hai
ओपनिंग द क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग, जो कार्ड कैटलॉग है उसको ओपन कर रहा, क्लोज कर रहा, उसको पता ही नहीं व्हाट इज दिस, ही डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट ही इज गोइंग टू डू. एंड लेफ्टिनेंट आयोटा इज लेफ्ट साइड काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, एंड आयोटा इज ऑल्सो इन लेफ्ट साइड, ही वॉज ऑल्सो काउंटिंग द बुक्स दैट वॉज इन द बुक केस, इज दैट क्लियर. सार्जेंट ओप इज एट राइट ओपनिंग ए क्लोजिंग टू बुक, टर्निंग अपसाइड डाउन, चेकिंग द बुक्स, उनको चेक कर रहा है, दे डोंट नो व्हाट इज दिस. और लाइब्रेरी में यू कैन से व्हाट व्हाट कैन वी गेट, यू वी ऑलवेज गेट बुक्स इन द लाइब्रेरी. सो नूडल क्या कर रहा है, इज एडजस्टिंग नो वेरी मेकिंग अ कम्युनिकेशन विद दैम, एंड नूडल सेड टू दिम दैम दैट यू ऑल्सो वेयर बिग गूगल, एक बड़ा चश्मा उसका डालता है. सो नूडल सेड टू थिंक एंड इट सीम्स दे हैव एंटर्ड इन ऑन द अर्थ, अर्थ पे आ गए हैं. So microphone, Noodle is also making contact with them and he was speaking in a mic with a microphone. He is having a microphone और microphone से उनसे contact कर रहा है, he is trying to make a contact. And he is asking that, what, where are you? And Omega, Sergeant Hope and all are giving answer that we are on the earth. But we are on the uncertain type of things, that is like we can say, लाइब्रेरी, दिस इज नॉट ए लाइब्रेरी, ही इज हैविंग ए होल्डिंग ए बुक, एक बुक उठाता है, कहता है कि हम यहाँ पे हैं और आई थिंक दिस इज अननोन टू अस वेरी वी आर, हम बता नहीं सकते कि कहाँ पे हैं. तब थिंक टैंक जो है वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, देन ही इज गिविंग द आंसर, दिस इज टाइप ऑफ ए रिफ्रेशमेंट स्टोर एंड यू आर हैविंग द, यू आर इन द रेस्टोरेंट, तुम रेस्टोरेंट के अंदर हो. दे आर आस्किंग वेयर वी आर, देन थिंक टैंक इज वॉचिंग दैम एंड ही मेक ए गैस दैट यू आर इन द रेस्टोरेंट, हो तुम क्या हो, रेस्टोरेंट में हो. और द बुक द थिंग विच यू आर हैविंग इन योर हैंड, इट मे बी अ मे बी समथिंग दैट कैन बी ईटन, व्हाट इज दैट क्लियर. देन ओप सेड नूडल नूडल एंड ओप ओप एंड ओमेगा वर थ्री वर डिस्कसिंग. Then Noodle give them the idea. What? Noodle give them the idea, but before Noodle gives them idea, think tank tell them that the thing which you are holding in your hands, this is a sandwich. That can be a sandwich. ये क्या हो सकती है? Sandwich हो सकती है. तो Noodle कहता है, think tank कहता है that item in your hand is called sandwich, and both were also saying yes, yes, sandwich. Taking book from his head, sandwich, think tank, sandwich are the main staple of earth diet, कह रहा है कि people of earth are using, eating, this is a main staple of earth diet, earth की जो लोगों की diet है वो उसका main reason है, sandwich खाते हैं वो. Look at closely, Omega squints at book, book क्यों, book को वो sandwich बता रहा है, कह रहा है कि this is sandwich, and Omega said that is correct, और कह रहा है कि कुछ feeling है उसके अंदर, कुछ फील कर सकते हैं, तो कह रहा है यस सर दैट इज करेक्ट. सो डू यू डाउट ऑफ माई, देन थिंक टैंक कह रहा है कि यू शुड ईट इट, आई एम गिविंग यू ऑर्डर कि तुम इसको खाओ. अब बेचारे डर जाते हैं कि हाउ वुड दे ईट इट, दिस इज नॉट अ थिंग टू बी ईटन, बट ही ऑर्डर आर ऑर्डर. तब वो जो ओमेगा है उस पर डाल देता है, उस पर क्या नाम है, ओप पे, ओप ओमेगा डाल देता है, ये सब चलता रहता है. एट लास्ट यू नो लेफ्टिनेंट ओमेगा को बोलता है, एट लास्ट हु आयोटा द पर्सन वॉज इटिंग दैट, उसने एक बाइट ली, बुक की एक बाइट ली, उसको खाया थोड़ा सा टुकड़ा, और फिर कह रहा है, थिंक टैंक कह रहा है कि एम आई रॉन्ग और राइट, दिस इज ए थिंग विच इज नॉट टेस्टी टेस्टी. देन आयोटा कह रहा है कि, वो कह रहा है कि हाँ यस सर यू आर राइट, ये टेस्टी है ही नहीं है खाने की, इसमें कोई मजा ही नहीं आ रहा खाने में. तब कह रहा है कि ओह दैट इज करेक्ट, ये तो ऐसा नहीं हो. फिर नूडल कह रहा है कि सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविच, कह रहा है कि मुझे माफ कर देना प्लीज, आई हैव एन आइडिया अबाउट सैंडविच. व्हाट द आइडिया? वेल सर आई हैव सीन सर्वाइवर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, they used to them as some sort of communication device. कह रहा कि the people who are living on the earth, they never eat the sandwiches. They make
एक कम्युनिकेशन विद देम, उनके साथ क्या करते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं. हु इज मेकिंग कम्युनिकेशन? द पीपल हु आर लिविंग ऑन द अर्थ. इज दैट क्लियर? लाइक एंटर द पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, फाइंड ए बुक, बुक मिल गई उनको, डिफरेंट व्यूज में आ रहे हैं. द नूडल इज सेइंग दैट इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस. एंड थिंक टैंक अगेन ऑर्डर हिम एंड ही सेड जस्ट ट्राई टू लिसन देम, उनको सुनो, उनको अपने कान के पास ले जाओ, जस्ट टेक देम नियर योर ईयर्स एंड यू शुड ट्राई टू मेक अ कम्युनिकेशन. कान के पास लेकर सुनो और उसको बोलो भी, कम्युनिकेशन डिवाइस है. सो नाउ ही सेड लिसन टू देम, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? और वो थिंक टैंक गुस्सा हो गया और बोल तुम ना तुम्हारे कानों में पत्थर डले हुए हैं, आई जस्ट ऑर्डर यू लिसन देम. दे वर ट्राइंग टू लिसन, ओके, एंड दे वर नॉट एबल टू लिसन एनीथिंग. ऐसा कुछ है ही नहीं लिसनिंग के लिए, तो वो भी उसमें सक्सेस नहीं हुए. ओके, एंड वन सेड दैट वी आर नॉट हैविंग करेक्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज वाई वी आर अनएबल टू लिसन देम. इज दैट क्लियर? ओके, देन अगेन नूडल मेड वन मोर आइडिया. नूडल कह रहा कि यस सर आई कैन से दैट दिस इज नॉट द कम्युनिकेशन डिवाइस, दिस इज नॉट द कम्युनिकेशन डिवाइस, दिस इज दे डिड नॉट लिसन द सैंडविच, दे ओपन दैम एंड वॉच दैम. कह रहा कि वो सैंडविचेस को लिसन नहीं करते. द अर्थलिंग पीपल, द पीपल हु आर लिविंग ऑन अर्थ, दे डिड नॉट लिसन दैट, दे ओपन दैट एंड दे वी कैन से लुक टुवर्ड्स द बुक्स. इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड एवरीबडी what they were doing? They were opening and looking towards the book. अभी क्या हुआ? अब book पे तो कुछ लिखा हुआ होता है ना? They opened it, उन्होंने इसको खोला and they were trying to read that. Okay? Give me 1 minute. So, they were trying to read the book and they were also unable to read the book. वो उसको book को पढ़ने में भी unable हो गई, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो हो रही थी ना उनको. तभी वो बुक कैसे पढ़ सकते हैं? तभी क्या किया नूडल ने, उनको ऑर्डर दिया, थिंक टैंक ऑर्डर देम कि आई एम गिविंग यू सम विटामिन्स, विटामिन्स होते हैं ना वो दे रहा हूँ तुमको, और वो विटामिन खा के तुम इसको रीड कर सकते हो. अब क्या किया उन्होंने, वो विटामिन्स उनको भेजे एंड ही दे वर एटिंग द विटामिन्स एंड उसके बाद में जो विटामिन्स खाए उन्होंने, देन दे स्टार्टेड टू रीड. अब जो क्या था, उनको एक नर्सरी की बुक हाथ लग गई, नर्सरी राइम होती है ना, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, दिस टाइप ऑफ थिंग. यानी ये जो नर्सरी की बुक है वो उसको हाथ लग गई और उसमें एक पोएम लिखी हुई थी हम्प्टी डम्प्टी. इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? तो हम्प्टी डम्प्टी को बुक को उन्होंने पढ़ा, तो हम्प्टी डम्प्टी का जो लुक था दैट वॉज लाइक ए थिंक टैंक. वो ब्रेन बड़ा था उसका, जो पूरा सर बड़ा था हम्प्टी डम्प्टी का भी, ऐसा बच्चों के लिए होते हैं बुक्स वगैरह. अब वो हेम्प्टी डम्प्टी और थिंक टैंक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए और उस पर कुछ अटैकिंग वे में लिखा हुआ था. और एट लास्ट थिंक टैंक सोचा कि जो अर्थलिंग पीपल है दे नो अबाउट मी एंड दे आर फॉलोइंग मी, और इस तरीके से थिंक टैंक वहाँ से भाग गया, ही हैड रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. तो इसमें लिखा गया है कि जिस तरीके से हमको बुक ने इनसे बचाया. इज दैट क्लियर? सो आज मैंने तुम लोगों को इसकी समरी बताई है. मैंने थोड़ा हिंदी कुछ ज़्यादा ही काम में लिया क्योंकि बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, दैट इज वाई. Is that clear? So, up next we will read the chapter. Thank you very much.